और गुयांग अंदर एंटर करते हैं कि उसका स्वागत होता है। मास्टर, मिस्टर वेन, आपका स्वागत है। गुयांग रुक जाता है, इस वजह से वेन डियरडेंट का फेस गुयांग से टकरा जाता है। तो गुयांग गुस्सा होकर पीछे घूमता है और अपना हाथ उठाता है। वेन डियरडेंट तो डर जाता है कि अभी चाटा पड़ने वाला है, लेकिन गुयांग उसके नाक पे जेंटली ग्रेस करके पूछता है, क्या इसे दर्द हो रहा है? देखो तो ये पूरा लाल हो गया। वेन डियरडेंट अपना सर घुमाते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं दुख रहा। लेकिन गुयांग फिर से दोनों हाथों से वेन डियरडेंट का फेस करेस करते हुए एकदम नजदीक से देख कर कहता है, मुझे देखने दो। ये देख कर गुयांग के ग्रैंडपा हंसते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो बच्चे भी ना बहुत ही लेजी है, ये लोग अभी भी लॉबी में ही है, क्या तुम लोग ऊपर आने का रास्ता भूल गए हो क्या? गुयांग और वेन डियरडेंट देखते हैं कि मदर ल्यूयुन, ग्रैंडपा शेंग और फादर वेन आ रहे होते हैं। गुयांग अपने ग्रैंडपा की ओर देखकर कहता है, ग्रैंडपा हमारा मजाक मत उड़ाइए। वो लोग हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वेन डियरडेंट और उसके पापा चुपचाप एक दूसरे के सामने देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा शेंग वेन डियरडेंट से कहते हैं, जरा मुझे तुम्हें देखने तो दो, तुम पिछली बार से इतने पतले क्यों लग रहे हो और तुम बीमार दिख रहे हो। तो वेन डियरडेंट कहता है, नहीं नहीं। लेकिन ग्रैंडपा शेंग गुयांग की ओर देख कर कहते हैं, डियरडेंट की बॉडी ऑलरेडी बहुत ही कमजोर है, तुम उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? तो गुयांग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। गुयांग की माँ ल्यूयुन कहती है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डियरडेंट का फेस अच्छा नहीं दिख रहा जैसा पहले दिखता था। आशेंग, क्या तुम डियरडेंट को बुली कर रहे हो? मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसे बुली करने की हिम्मत भी की तो ग्रैंडपा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो गुयांग कॉलर ठीक करते हुए वेन डियरडेंट को विस्पर करता है, मेरी माँ चिंता कर रही है। वेन डियरडेंट ये सुनते ही खुश हो ऐसा दिखाते हुए कहता है, ग्रैंडपा बात सिर्फ इतनी है कि मुझे हाल ही में अपनी भूख से परेशानी हो रही है और maybe it's because मेरे बाल लंबे हो गए हैं, तो इस वजह से मेरा फेस छोटा दिख रहा है। यांचिन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, डोंट वरी। ये सुनते ही ग्रैंडपा शेंग वेन डियरडेंट का हाथ पकड़ के कहते हैं, तो फिर तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए, कुछ भी खाओ और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखो। वेन डियरडेंट के पापा कहते हैं, डियरडेंट ग्रैंडपा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, इसे हमेशा याद रखना। तो वेन डियरडेंट ये सुनकर अपने पापा की ओर देखता है और कहता है, हाँ। ग्रैंडपा शेंग कहते हैं, मैंने तुम्हारी फेवरेट चाय बनाने के लिए कह दिया है, तुम दोनों वहाँ जाओ और चाय पियो, तुम्हारे पापा और मुझे कुछ बात करनी है। वेन डियरडेंट कहता है, ओके थैंक यू ग्रैंडपा। फिर मदर ल्यूयुन, ग्रैंडपा शेंग और फादर वेन तीनों चले जाते हैं। उन तीनों के जाते ही गुयांग वेन डियरडेंट से कहता है, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी। ये सुनकर वेन डियरडेंट दंग रह जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? गुयांग जाने लगता है और कहता है, मैंने कहा तुमने अच्छी एक्टिंग की। वेन डियरडेंट को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये इस तरह से हो गया कि मैं सिर्फ उनके लिए एक्टिंग कर रहा था, जस्ट अभी ही ये ऐसे हो गया कि वो सब कुछ फेक था। गुयांग रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या तुम एक्टिंग में अच्छे नहीं हो, या तुम्हें ये लगता है कि मेरे एक्टिंग स्किल तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है? तो वेन डियरडेंट कहता है, तुम्हारी नजरों में तुम्हें हमेशा एक्टिंग ही करता हूँ और शेंग लुआन तुम्हें एक सच्चा निर्दोष लगता है ना? ये सुनते ही गुयांग वेन डियरडेंट के पास आके कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बता देता हूँ, बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। वेन डियरडेंट रोता रह जाता है और गुयांग वहाँ से चला जाता है। वो लोग खाना खाने साथ में बैठे हुए होते हैं। गुयांग और ग्रैंडपा शेंग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वेन डियरडेंट सोच रहा होता है कि जस्ट अभी ही मुझे लगा कि तुम कोई दूसरे इंसान हो, धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो गया कि तुम सिर्फ उसके लिए चेंज हुए थे। फिर वेन डियरडेंट कहता है, मैं बाथरूम जाता हूँ, और वो जाने लगता है कि उसके पापा वेन डियरडेंट को देखते हैं। वेन डियरडेंट अपने हाथ धो रहा होता है कि अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलता है। वेन डियरडेंट उसे देख कर कहता है, पापा? लेकिन उसके पापा बिना उसके सामने देखे ही कहते हैं, तुम कैसे हो, क्या तुम अपने साइकोलॉजिस्ट के पास कैंसर जाते हो ना? तो वेन डियरडेंट कहता है, हाँ।
और फिर उसके सामने देखकर कहते हैं, गुयानशेन तुम्हें किस तरह से ट्रीट करता है? शुरुआत में तुम उसे बहुत पसंद करते थे, इतने सालों के बाद क्या ये योग्य है? क्या तुम सरवाइव कर पाओगे? तो वेन यानयान अपने पापा की ओर देखकर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो टिकाना रहे। 10 सालों से वो मेरे जीवन में एक रोशनी की तरह रहा है। अभी ये रोशनी की किरण शायद थोड़े समय के लिए धुंध से ढक गई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो रोशनी हमेशा वहाँ रहेगी। हमें पता है कि हर कोई उसकी काइंडनेस, उसका सेल्फ अबेसमेंट, उसकी बेबसी, उसका प्यार, उसका दर्द, इन सब के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो कमजोर है कि वो सब कुछ पॉसिबल बनाता है। हम उसे ग्रो अप होने में मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। जब तक वो नर्क की अंधेरी घाटी में पहुंच नहीं जाते, तब तक उसके लिए फिर से वहां रोशनी होगी। उसने जो दर्द सहा है, उसके लिए उसे 100 गुना पे बैक किया जाएगा। प्लीज लुक फॉरवर्ड टू हिज ब्लैकनिंग। लेट्स वेट फॉर हिज ब्लैकनिंग।